कोरोना की तीसरी लहर की बढ़ती आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने इससे निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग की और 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का आदेश दिया। इन प्लांट्स को देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में अधिकारियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि ये जल्दी से जल्दी काम पूरा हो। इसके साथ ही मीटिंग में पीएम मोदी ने हॉस्पिटल स्टाफ को ऑक्सीजन प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए जरूरी ट्रेनिंग दिए जाने पर भी जोर दिया। आशंका यह भी जताई जा रही है कि भारत में जल्दी ही कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आएगी। ऐसे में क्या डेल्टा प्लस संक्रमितों की संख्या भी बढ़ेगी? इसके जवाब में कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित कहते हैं, खतरे की घंटी तो है ही, डेल्टा प्लस वेरियंट डेल्टा वेरियंट से ही जुड़ा है। ज्यादातर लोगों में कोरोना के नए वेरियंट को लेकर चिंता है और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नया डेल्टा प्लस वेरियंट कोरोना वैक्सीन पर भी भारी पड़ सकता है। पिछले 3-4 दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। संक्रमण से ठीक होने वालों की तुलना में नए संक्रमित एक बार फिर से बढ़ गए हैं, जो चिंताजनक और खतरे की घंटी है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट बैठक में चिंता जताई है। पीएम मोदी ने लोगों को सावधान किया है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए प्रोटोकॉल का उचित पालन किया जाए। साथ ही विशेषज्ञों का भी मानना है कि भले अभी बढ़ोतरी मामूली दिख रही है, लेकिन खतरा बड़ा है क्योंकि लोगों ने लापरवाही शुरू कर दिया है और नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में कोरोना के नए रूप अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। सभी को जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की सलाह भी दी जा रही है। यूपी में कोरोना के नए वेरिएंट कप्पा से संक्रमित रोगी के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। यह पहला मामला है जब इस वेरिएंट के दस्तक देने की जानकारी मिली है। शासन ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी विभाग से इस वेरिएंट से संक्रमित रोगी के संपर्क में आए लोगों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। संपर्क में आए सभी लोगों के सैंपल लेकर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर ही इससे बचाव के लिए सख्त उपाय किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। ये नए मेडिकल कॉलेज देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का 15 या 16 जुलाई को वाराणसी आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी दौरान वह वाराणसी से ही इन मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति कोविड से सुरक्षा के लिए वैक्सीनेटेड हो। उनके सपने को साकार रूप देने के लिए एसएएस मुंबई का संकल्प है। एसएएस परिवार का हर सदस्य और उनका परिवार हो कोरोना मुक्त और प्रत्येक व्यक्ति हो वैक्सीनेटेड। अपने इसी अभियान के अंतर्गत एसएएस मुंबई द्वारा मंगलवार से 4 दिवसीय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे अपने तेलीबाग शोरूम पर वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया, जिसमें एसएएस के प्रत्येक कर्मचारी और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को वैक्सीन की खुराक लगाई गई। 4 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप में एसएएस मुंबई के चेयरमैन सुनील कालरा जी, एसएएस मुंबई के एमडी गुंजित कालरा जी के नेतृत्व में लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। इस अवसर पर एसएएस मुंबई के सीओओ सौमित्र गौड़ जी, एचआर रितेश श्रीवास्तव, विशानी श्रीवास्तव और आजाद हफीज जी ओएसडी ने कैंप का संचालन किया। वैक्सीनेशन के लिए एसएएस मुंबई के सभी कर्मचारियों में अत्यंत उत्साह रहा। इस कैंप के माध्यम से एसएएस मुंबई लखनऊ के ऐसे प्रतिष्ठान की श्रेणी में आ गया जिसमें हर एक कर्मचारी और उसका परिवार कोरोना की सुरक्षित वैक्सीन की खुराक ले चुका है। स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा एसएएस परिवार का आभार व्यक्त किया गया। उसका पर्पज ये था कि हमारे जितने भी एम्प्लॉई है वो सारे वैक्सीनेटेड हैं। इसको लेके हम लोगों ने एक ड्राइव स्टार्ट किया था क्योंकि यूपी गवर्नमेंट और हमारे इंडिया प्राइम मिनिस्टर में ऐसी है कि सारे वैक्सीनेटेड हैं। उसी के कारण हम लोगों ने ये ड्राइव स्टार्ट की जिसमें हम लोगों ने 99% एम्प्लॉई और उनकी फैमिली सबको कवर किया और सबको वैक्सीनेट किया। उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चेयरमैन मिस्टर सुनील कालरा जी का, अपने एमडी श्री गुरजीत कालरा जी का और अपने सीईओ मिस्टर सुमित कौर जी का, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये ड्राइव बहुत ही अच्छा चला और बहुत ही स्मूथली हम लोगों ने अपने सारे एम्प्लॉइज को बिना किसी काम करते हुए हम सब लोगों को वैक्सीनेट कराया। और मैं यूपी गवर्नमेंट और जितने भी वैक्सीनेटर हैं जो आज यहाँ पे हमारे एम्प्लॉई को वैक्सीन दिया उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर गणेश जी और सीईओ श्री आदित्यनाथ योगी जी का भी अयोध्या में दर्दनाक हादसा हुआ। सरयू नदी में एक ही परिवार के 12 लोग डूबे, 4 को बचाया गया, 8 की तलाश जारी। आगरा का परिवार अयोध्या में रामलला के दर्शन को आया था,
नदी में गहराई का अंदाजा न लगने से हुआ हादसा। फैमिली जो है वो यहाँ पे आई हुई थी, कुल मिला के उस फैमिली में 15 लोग थे जिन्होंने यहाँ पे गुफ्तार घाट पे वहाँ पे टहल रहे थे, जिस वक्त उसमें से कुछ महिलाएं नहाने या हाथ पैर धोने के लिए नीचे पानी में उतरी, उसमें से कुछ महिलाओं के अचानक से डूबने जैसी स्थिति हुई, तो उसमें पूरी फैमिली जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए तुरंत वहाँ पे पहुँच पड़ी। तो उसमें जो है उस वक्त हमारे जो लोकल वहाँ पे जो ड्राइवर वगैरह रहते हैं मनी भैया थोड़ा सा वहाँ पे बचाया, और 12 लोग जो है उन 12 में से अब तक जो है 4 लोगों को उनका रेस्क्यू कर लिया गया, लाइफ रेस्क्यू कर लिया गया। चारों तरफ जो है उसमें ब्लड PSC की टीम, पुलिस की टीम और जो हमारे लोकल जितने भी गोताखोर नाविक हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, लगातार चारों तरफ ये ढूंढ रहे हैं अपनी नावों के माध्यम से और काटा लगा कर ढूंढ रहे हैं। अब तक 4 लोगों को इन्होंने जिंदा उसमें रेस्क्यू किया है और बाकी लोगों पर भी जो है कार्रवाई चल रही है, कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें जिंदा रखा है। सर जो अभी भी 4 तो सुरक्षित थे, एक का अभी नहीं पता चल रहा था, अनकंसियस थे तो उनको अस्पताल गए। सर में बच्चे और महिलाओं की क्या संख्या थी या कुछ बताया जा सकता है? ये अभी पूरा डिटेल जो है, चूँकि कुछ नेम्स तो हम लोगों ने सभी के कलेक्ट किए हैं, अब उसमें एक्चुअल जो है उनके फैमिली से भी वेरीफाई करना पड़ेगा, उनके फैमिली के लोग जो है थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज है, ट्रॉमा में, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कन्फर्म करके ही देना उचित रहेगा, वो बिना कन्फर्म किए देना। मैं संख्या आपको बता सकता हूँ जो कि उनके परिवार से। कितने बजे की घटना है ये? रफली मैं समझता हूँ 12 बजे की आसपास की। यूपी के बाराबंकी में पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की बहू सिरौली गोंसपुर ब्लॉक से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीती। बीजेपी प्रत्याशी सपना चौहान ने बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। उत्तर प्रदेश पंचायत ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लखीमपुर खीरी में एक महिला की साड़ी खींचे जाने की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया और पुलिस क्षेत्राधिकारी और संबंधित थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी के सुरक्षा कर्मी सुब्रत चक्रवर्ती की रहस्यमयी मौत के मामले में मृतक की पत्नी ने फिर से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। मृतक की पत्नी ने अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है कि आखिर सुब्रत को ड्यूटी के दौरान गोली कैसे लगी और एम्बुलेंस आने में देरी क्यों हुई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने धारा 302 और 120B के तहत मामला दर्ज कर नए सिरे से जांच शुरू किया है। लखनऊ महानगर के रहीम नगर में महिला की हत्या, रामलीला पार्क के पास घर में मिला महिला का मृत शरीर। हत्या के संबंध में ADCP उत्तरी प्राचल ने बताया पति ने की थी हत्या। कंट्रोल रूम द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना महानगर की रहीम नगर शॉपी के पास एक घर है जहां पे एक बेड के अंदर एक महिला की डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि महिला जो है उसकी बॉडी 2-3 दिन पुरानी थी, और मौके से जब उनके हस्बैंड को हिरासत में लिया गया तो उनसे पूछताछ के द्वारा ये पता चला कि काफ़ी टाइम से उनके घर में पारिवारिक कलह चल रही थी, जिसके चलते हुए परसों इन्होंने उनको मारा और फिर जो है बेड के अंदर इनकी बॉडी डाल दी। जो मृतका हैं उनका नाम अंजू है, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, और इनके हस्बैंड का नाम है मोनू राजपूत, जिनकी उम्र लगभग 31 वर्ष है। इनकी लव मैरिज हुई थी जून 2019 में, और अभी हम लोग इसमें आगे का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं बॉडी पीएम के लिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना में कम से कम 52 लोगों की मौत हो गई है। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।